गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सीमा और आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। आज है तीज, आप सभी को तीज की बहुत बहुत मुबारकबाद। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक मेकअप लुक जो मैंने अभी अभी क्रिएट किया। आप देख सकते हैं मेरा फेस, ये मैंने तीज पे मेकअप लुक क्रिएट किया है। अगर आप भी ये मेकअप लुक देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो मिस वीडियो पर बने रहिए। और देख सकते हैं मेरा फेस हो रहा है कितना ग्लोइंग एंड सॉफ्ट। को भी ये मेकअप अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को ये लाइक और सब्सक्राइब, और चलते हैं वीडियो की तरफ, देखते हैं। पहले मैं करूँगी अपने फेस को टोनर से टोनिंग। ये है रोज़ वाटर, मेरा खुद का बनाया हुआ टोनर है। इसमें मैंने कुछ मिला वो इसमें मैंने गाइस अपना सैंडलवुड का जेल वगैरह मिला रखा है। इसके बाद मैंने लिया एल्ब्स गुडनेस का फेशियल ऑयल, ताकि मेरा फेस जो लगे एकदम ड्यूई, मेरा मेकअप हो जाए एकदम ग्लोइंग। और अब मैं मॉइस्चराइज़र यूज़ नहीं करूँगी गाइस, क्योंकि गर्मी का मौसम है, चिपचिप वाला मौसम है, तो मॉइस्चराइज़र से मुझे और ज़्यादा पसीना आ जाता है, मेरा मेकअप सेट नहीं रहता। इसके बाद मैंने लिया NYB का प्राइमर। गाइस आप मॉइस्चराइज़र स्किप कर दीजिए, लेकिन आप प्राइमर मत स्किप करिए। ये प्राइमर गाइस बहुत अच्छा है, ये आपको purple.com से मिल जाएगा। ये आपके पोर्स को मिनिमाइज़ करेगा और आपका जो बेस है वो एकदम स्मूथ बनेगा। उसके बाद मैं यूज़ कर रही हूँ गाइस ये NYB का ही कंसीलर है। गाइस आई एम सॉरी कि मैंने इससे पहले NYB की स्टिक वाला ही फाउंडेशन यूज़ किया था, वो वाली क्लिप मैं आपको दिखा नहीं पाई, वो डिलीट हो गई पता नहीं कैसे। बट उसके बाद मैंने ये कंसीलर लगाया है, तो आप देख सकते हैं। अब मैं करूँगी अपने आईज़ का अब मैं इसको अपने पाउडर से सेट कर लूँगी गाइज। ये कलर बार का कॉम्पैक्ट पाउडर, एंड उसके बाद मैं करूँगी आईज़ का मेकअप। उसके बाद मैंने लिए ये ओरिफ्लेम की पैलेट। मैं अपनी क्रीज लाइन पे, ये डार्क कलर है गाइज, एक थोड़ा सा कॉफ़ी कलर है जो मैंने अपनी क्रीज लाइन पर लगाया। उसके बाद मैंने लिए मिस रोज़ की ये पैलेट, इसमें से मैंने लिया रेड कलर जो मैं अपनी आई लिड पर लगाऊँगी। देखिए गाइज़ देख सकते हैं। और इसी के साथ गाइज मैं अपने थोड़ा सूट से मैचिंग इसमें थोड़ा सा गोल्डन मिक्स कर दूंगी, और मैं इसको काफ़ी अच्छे से इसी में स्मज्ड करती रहूँगी ताकि जो मुझे जो मेरे सूट से थोड़ा मैचिंग से का मुझे कलर मिल जाए गाइज। देख सकते हैं ये मैंने इसी में ही अच्छे से मिक्स कर दिया है। उसके बाद मैं अपनी आईब्रो को फिल करूँगी गाइज ये है कि देखिए ये जो मैंने मेकअप किया है, ये मेरा तीज का मेरा अपना मेकअप है। हर किसी के मेकअप करने का तरीका स्टाइल सब अलग होता है। आप मेरे मेकअप में गाइस गलती भी हो सकती है, मैं कोई प्रोफेशनल नहीं हूँ, तो प्लीज़ डोंट माइंड। और आपको मेरा मेकअप अच्छा लगे तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए गाइस। और मैंने सिर्फ आपके साथ अपना मेकअप लुक शेयर किया है, तो प्लीज़ कुछ अगर कोई गलती भी है तो उसे माइंड ना तो उसे भूल जाइए गाइस, कुछ उल्टा सीधा मैं कमेंट मत करना। और ये मैंने लगाया NYB का ही, और अब मैं NYB का ही ये लाइनर लगा रही हूँ गाइस। ये भी बहुत अच्छा है, NYB के प्रोडक्ट गाइस अच्छे हैं, काफ़ी अफोर्डेबल हैं एंड इफ़ेक्टिव, अच्छे भी लगते हैं गाइस, ऐसा नहीं है। प्राइस वाइज मुझे अच्छे लगते हैं NYB के प्रोडक्ट, मेरे पास काफ़ी कुछ है NYB का, तो हल्का सा मैंने इसमें विंग बनाया है गाइस, छोटा सा विंग बनाया है मैंने अपनी आईज़ पर, ज़्यादा बड़ा नहीं। और ये देखिए मैंने दोनों आँखों पे अपने आईलाइनर लगा लिया है, और अब पता नहीं मैं क्या ढूंढ रही हूँ, हाँ ये काजल। अब मैंने यूज़ किया है ये गाइस ब्लू हेवन का काजल है जो मैंने अपने आईज़ पे यूज़ किया है, एंड उसके बाद अब मैं नीचे लगाऊंगी गाइस ये गाइस NYB की कोल काजल पेंसिल है जो मैंने नीचे लगाई है। ये ब्रॉन्ज कलर की पेंसिल थी गाइस, इससे काफ़ी अच्छी लगती हैं आईज़ गाइज। और उसके बाद मैंने ये एलन ब्लू का मेरा मश्कारा है जो मैंने ये यूज़ किया है अपनी आईज़ पे। उसके बाद मैं ये लिप्स पे बेबी लिप लगा लूँगी मेबलिन की, ताकि मेरे लिप्स हो जाएं एकदम मॉइस्चराइज। और उसके बाद अब मैं करूँगी गाइज कॉन्टोरिंग। ये भी मैंने NYB की ही स्टिक ली है, और काफ़ी अफोर्डेबल प्रोडक्ट का मेकअप है गाइज, ये हर कोई यूज़ ट्राई कर सकता है इसको, ऐसा नहीं है। और ये सभी प्रोडक्ट purple.com से आपको मिल जाएंगे गाइज, तो आप देख सकते हैं ये मैंने कॉन्टोरिंग कर ली है अपने फेस की। अब मैं इसको अच्छे से ब्लेंड करूँगी गाइज। गाइज आप अपने स्पंज को थोड़ा सा गीला करके
सॉरी गाइस, आप अपने जो ब्यूटी ब्लेंडर है इसको थोड़ा सा स्पंज को सॉरी इसे गीला करके ना स्क्वीज कर लीजिए। इससे क्या आता है कि आपका जो एक्स्ट्रा जो आपका मेकअप बेस है ना गाइस, वो बहुत फ्लॉलेस होता है, थोड़ा पैची सा एंड केकी सा नहीं होता है। तो आप अपने ब्यूटी ब्लेंडर को पहले थोड़ा सा पानी में गीला करके एंड स्क्वीज करके आप अपने फेस पे अप्लाई करेंगे तो वो बहुत अच्छे से काम करेगा गाइस। आप देख सकते हैं, ये मैंने वीडियो थोड़ी फास्ट कर रखी है गाइस, तो इसके इसलिए आप जल्दी जल्दी देख लीजिए बस। वीडियो वगैरह अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाती गाइस। देख सकते हैं, ये मैंने अपना बेस सेट कर लिया है गाइस। अब मैंने ये ब्लशर लगाया है अपने, और अब मैं ये क्या ढूंढ रही हूँ, हाँ हाइलाइटर ढूंढ रही हूँ। तो अब मैं यूज़ करूँगी ये हाइलाइटर। मैं अपने सभी हाइलाइट पॉइंट को हाइलाइट कर लूँगी गाइस। गाइस थोड़ी बोलने में दिक्कत हो रही हो तो गाइस उसको थोड़ा सा डोंट माइंड, क्योंकि मैं पहली बार ऐसे मेकअप पे वीडियो बना रही हूँ गाइस, तो गलती हो जाती है, सभी से हो जाती है जब फर्स्ट टाइम कुछ करते हैं। तो अब मैंने ये लिपस्टिक लगाई है, ये कलर सेंस की लिपस्टिक है, रेड कलर की लिपस्टिक है, और फिर मैंने सिंदूर लगाया है, और ये मेरा मेकअप लुक हो गया है फाइनल। आप देख सकते हैं कितना ग्लोइंग है। उसके बाद मैं अपनी ज्वेलरी पहनूंगी, ये मैंने मंगलसूत्र पहना है, और उसके बाद मैंने ये अपने इयररिंग्स डाले हैं। उसके बाद मैंने अपनी बैंगल्स पहनी है गाइज, ये मेरी मेहंदी है गाइज जो कल रात लगाई थी अपने आप ही। और अब आप देख सकते हैं एक बार मेरा ये मेकअप बिना हेयर स्टाइल के ही कैसा लग रहा है। आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करना। ये मेरा फाइनल लुक है गाइज, ये मैंने अपने हेयर को सेट कर लिया है ये क्लिप वाली पेन से, साइड साइड से बस, ज़्यादा कुछ नहीं करा गाइज मैंने अपने हेयर पे। और आप देख सकते हैं गाइज ये मेरा फाइनल लुक है। ये मैंने पीच कलर का सूट पहना है गाइज, और मेरी वीडियो लाइक करना। तो गाइज आपने देखा कि ये मेकअप मैंने कैसे क्रिएट किया है गाइज, आप भी इस मेकअप को इजीली क्रिएट कर सकते हैं गाइज। इसमें कोई ज़्यादा मैंने कुछ ज़्यादा प्रोडक्ट कुछ ज़्यादा हैवी प्रोडक्ट भी यूज़ नहीं किया, मैंने सिंपल से सिंपल सिंपल प्रोडक्ट से ये मेकअप किया है गाइज, और बहुत सिंपल तरीके से मेकअप किया है। तो आप भी अपने घर पर ये मेकअप ट्राई कीजिए। एंड ये मैंने तीज के लिए ये लुक मैंने तीज पर क्रिएट किया है, तो आप सभी को तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मेरा मेकअप मेरी वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, और मेरे चैनल को करिए लाइक और सब्सक्राइब। और देख सकते हैं गाइज आप, मैंने बहुत ही सॉफ्ट लुक क्रिएट किया है एंड बहुत ही ग्लोइंग, एंड मेरा फेस बहुत ही ग्लोइंग लग रहा है गाइज। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए गाइज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। तुझसे मन नहीं है बता।